नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करौंदे के अचार की एकदम सिंपल रेसिपी, जिसे बनाने के लिए ना हमने इन्हें उबाला है ना धूप में इनको सुखाया है, और मसाले भी हमने सिंपल किचन के इंग्रेडिएंट्स से ही बनाए हैं, फिर भी ये साल भर बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब करौंदे। महाराष्ट्र में जो करौंदे मिलते हैं वो ऐसे ही हरे वाले मिलते हैं, और जो करौंदे हैं, करौंदों को आप अगर ऐसे निकालेंगे तो इनका दूध निकल आता है, तो तोड़ते समय भी इनको बहुत सारा ये दूध लग जाता है। तो इसलिए हमें करौंदों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी डालकर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लेना है। एक बार आप इनको 2 से 3 बार धो ले, फिर इनको कॉटन के कपड़े पर ट्रांसफ़र कर अच्छी तरह से इनको सुखा लीजिए, इस तरह से रब कर। इससे क्या होगा, इसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाएगी। और जब आप इसे रब कर लें, उसके बाद भी इनको कम से कम आधा घंटा फ़ैन के नीचे इसी तरह से सूखने दें। एक बार आपको पता चल जाए कि इसकी पूरी नमी निकल चुकी है, तो इनको छांट लीजिए, इनमें से जो ख़राब वाले हैं वो निकाल लीजिए और साफ़ और अच्छे वाले रख लीजिए। तो इसके बाद बढ़ते हैं मसाले की ओर। मसाले के लिए यहाँ पर मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ ले लिया है। अगर आपके पास राई नहीं है, आप घर में सरसों खाते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इनको हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करने वाले हैं कि इनकी जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाए। कोई भी अचार बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी इंग्रेडिएंट में बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए। तो मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1/2 मिनट आप इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए, इसकी नमी निकल जाएगी। इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, बस 1/2 मिनट में ही काम हो जाता है। फिर इनको निकाल कर हमें प्लेट में रख लेना है। थोड़ा ठंडा होने के बाद इनको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो मसाले हैं थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो इनको मैंने मिक्सर के जार में डाला, और अब इनको मैं थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनानी है हमें, दरदरा पाउडर बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आपको एकदम फाइन पाउडर पसंद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दरदरी से पाउडर बना ली है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से मसाले का जो साइज़ है वो रख सकते हैं। फिर जो पैन में हमने मसाले गरम किए थे उसी में मैंने करीब 1/2 कप तेल डाल लिया है। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे रखते हुए तेल को गर्म होने दूंगी। तेल को गर्म करने का भी यही कंसेप्ट है दोस्तों कि इसमें भी अगर कहीं गलती से नमी रह गई हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए। इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो अचार है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे तेल में से धुआं निकलने तक हमें तेल को गर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे गैस हाई फ्लेम पे रखा है, और जैसे ही इसमें से धुआं निकलने लगे तो आप गैस को बंद कर लीजिए। तो देखा आपने, यहाँ पे धुआं निकलने लगा, मैंने गैस बंद कर लिया। फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद तेल, उसमें हमने बनाया हुआ मसाला, काली मिर्च, लौंग और हींग डाल लीजिए। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी यहाँ पे मसाले डालते समय हमें ये ख्याल रखना है कि तेल का जो टेम्परेचर है गैस बंद करते ही बहुत ही ज़्यादा होता है, तो गैस बंद करने के बाद 1 से 1.5 मिनट हमें रुकना है, उसके बाद ही मसाले डालने हैं, नहीं तो मसाले सारे जल जाएंगे। एक बार मसाले डालने के बाद मसाले पूरी तरह से ठंडे हो जाए, मतलब रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद आप अपने जो हमने साफ़ किए हुए करौंदे हैं वो डाल लीजिए। करौंदे डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कीजिए कि करौंदे मसालों से कोट हो जाए। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा नमक यूज़ करना है, जो स्वाद अनुसार लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 1/2 घंटा इसी तरह से छोड़ दीजिए, और फिर उसको आप जिस भी कंटेनर में स्टोर करना चाहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो आपका अचार 4 से 5 दिन बाद एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा और बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। तो ये अगर रेसिपी आपको पसंद आई दोस्तों, तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।